सुंदरानी दादा को खांसी आ रही थी पिछले महीने, तो उनके दादा जांच कराइए, कहीं जांच नहीं कराएंगे पक्का निकल आएगा। जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टर के पास खड़े हुए, बोले डॉक्टर साहब हमको खांसी आती है, बुखार है, बोले जांच कराओ, बोले नहीं जांच नहीं कराएंगे, असंभव, बिना जांच कराए जानेंगे कि हमको है कि नहीं। डॉक्टर बोला ऐसा कैसे संभव है, ये नागौद के कवि हैं, बंबई में रहते हैं, ज्यादा दिमाग, दो मिनट तक सोचे, डॉक्टर का मास्क नीचे किए और उसके मुंह में तीन चार बार खांसे, बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। एक माँ है घर में जो दे रही दुआएं मुझे, दूजी माँ की आरती मैं आज यहीं गाऊंगा। एक माँ पे संकट है, दूजी माँ बुला रही है, दोनों माँ की देखभाल कैसे कर पाऊंगा। दोनों माँ के कोख की है इज्जत बचानी आज, संभालिएगा अगली पंक्ति, दोनों माँ के दूध की है इज्जत बचानी आज, दोनों माँ से किया वादा आज मैं निभाऊंगा। चोटी पे तिरंगा गाड़े एक माँ की लाज बची, दूजी माँ के पास मैं तिरंगा ओढ़ जाऊंगा। हमको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग श्रोता ही बैठे हैं, सही बता रहे हैं हम, सच घटना दादा हमको नागौद बुलाए थे एक बार शादी के पहले कविता सुनाने के लिए। चेक कर रहा हूँ कि श्रोता कितने बैठे हैं, उसके बाद अपनी औकात में धीरे धीरे आऊंगा। 15 मिनट तक मैं आंख बंद करके कविता गीत पढ़ा, जब मैं आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, सुभाष भैया की तरह, बाकी सब चले गए थे। मैं सच घटना बता रहा हूँ, हम उसके हाथ पैर जोड़ लिए, हम कहे आप धन्य हैं, आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तो वो भी हाथ जोड़ा, बोला भैया आप कुछ मत करिए, और अगर आप चुप हो जाते तो मैं ये गद्दा माइक कुर्सी लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूँ, मेरी बुकिंग है दूसरी, बजाइए एक बार जोरदार, आनंद के साथ रहिए। ये कभी डरे डरे पढ़ रहे हैं, दादाजी आगे ही डंडा लेके बकुली बैठ गए हैं, सांस उतार नीचे होने लगती, दादा मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सीधी कविता पढ़ रहे थे तो एक दादाजी तीन चार बार डंडा लेके टहले, हम कहे दादा कोई समस्या है, मारेंगे क्या, कहीं नहीं लाला तुमको काहे मारेंगे, तुम तो अतिथि हो, मेहमान हो, आए हो तो पढ़ो, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो तुम लोगों को बुलाया है, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आप सजग भैया से पर्दे के पीछे मिल लीजिएगा, हमारी कोई दिक्कत नहीं। आनंद के साथ रही कुसुमाकर जी, आराम से पानी पिलाइए, ईश्वर कुसुमाकर जी के फेफड़ों को सलामत रखे। हम सोच रहे थे इतना उछल कूद अगर एक इस तरह गिरने पाए यहीं पर तो हमारा नंबर नहीं आएगा, हाँ इतना उछल कूद, बाप रे एकदम हम खतरनाक तरीके से आए, इनको किसी भी समय देशभक्ति सवार हो जाती। सच घटना बता रहे हैं, इनकी भी अब पोल खोलनी, सवेरे सवेरे एक दिन ये घर में उठे और सवेरे ही चिल्लाने लगे, कहीं ना आज सारा भारत माता का सारा कर्ज चुका दूंगा, मातृभूमि का सारा कर्ज चुका दूंगा। तो भाभी जी अंदर से एक पन्ना लेके आई तो ये और बिगड़ गए, कहीं मैं 3 घंटे से भारत माता का कर्ज चुकाने की बात कर रहा हूँ, तुम पन्ना दिखा रही हो, कहीं नहीं दूध वाला 5 दिन से आ रहा है, पहले उसका कर्जा चुका दो फिर भारत माता का कर्जा चुका देना। हाँ दिक्कत है तमाम तरह से, लेकिन आप आनंद से रहिए, मैं ज्यादा टेंशन तनाव की बातें नहीं करूंगा, मेरी कविता में कुसुमाकर जी की तरह आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने लिखते समय नहीं लगाई है तो आप सुनेंगे क्या दिमाग लगा के, आप बिल्कुल मस्ती के साथ इसी तरह आनंद से रहिएगा, थोड़ी थोड़ी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ताली नहीं बजाएंगे तो कुसुमाकर जी ने कैकेयी पर खंड काव्य लिखा है और उन्होंने आधा सुनाया है, और अगर ताली नहीं बजी तो वो पूरा भी सुना सकते हैं आके, बजाइए एक बार जोरदार ताली, बहुत अच्छे आनंद के साथ, ये मस्ती जिंदा रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे थे, ये त्रेता द्वापर का प्रेम है, कलयुग में खतरनाक प्रेम होता है। वो दो आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे, बोले कैसे आए मर के, तो एक बोला कि साहब हम ठंड से मर के आए, दूसरे से पूछे बोले तुम कैसे मर के आए, तो बोला कि साहब हम शरम से मर के आए। चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया, कहीं ठंड वाले का तो ठीक है, तुम शरम से कैसे मरे, कहीं साहब हम 5-6 दिन अपने शहर से बाहर थे और जब 4-5 दिन बाद अपने शहर में लौटे तो प्रेमिका के घर गए तो हमको लगा कि अंदर कोई है, तो बाहर से हमको बड़ी गुस्सा आई, जब दरवाजा खुला तो हम पूरा घर छाने लेकिन कोई नहीं मिला, तो हमको बहम लगा और इतनी ग्लानी हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। तो चित्रगुप्त ठंड वाले से पूछे, बोले तुम भी बता दो कि कैसे मरे तुम ठंड वाले, तो ठंड वाला शर्म वाले की तरह मुंह करके पूछा, कहा भैया जब तुम घर छाने थे तो पूरा घर खोजे थे, कैसा पूरा घर खोजे थे, बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे, बोला नहीं खोले थे, बोले काश अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना आप शर्म से मरते और ना मैं ठंड से मरता। ये कलयुग का प्रेम है, बजाइए एक बार, इसी मस्ती का नाम है, बिल्कुल आनंद के साथ रही, कोई दिक्कत नहीं। हमारी आदत ये ताली वाली सुनने से थोड़ा सा एनर्जी महसूस हो जाती है,
ताली कवियों की आदत है, आदत खराब ना हो जाए किसी की बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी, जयमाले में जब गया तो बीवी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी दो सवारी की जगह और खाली है, आदत खराब। ये उमेश बिहान जी हैं, शुद्ध पंडित आदमी, इनकी आदत और खराब। ये हमारे साथ एक बार बनारस हवाई अड्डे से फ्लाइट में बैठे तो एयर होस्टेस आई और इनसे पूछी कि सर क्या चाहिए आपको, ये शुद्ध पंडित आदमी आदत खराब है। बोले हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, कद्दू की तरकारी चाहिए। तो एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, इनके कान में मुंह लगाई, अब बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरे ही नहीं बैठे हैं, आनंद के साथ बजाना है तो खुल के बजाया करिए, यही मस्ती का नाम, इसी आनंद। कोरोना और रोना की बात चल रही थी, कोरोना कहीं दिख रहा है आपको? कहीं कोरोना आपको नहीं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जैसे ही होटल पे आए, वृंदावन होटल के पास, पता नहीं दादा आए हैं कि नहीं आए, तो हम वृंदावन ढाबा पे नीचे ही पूछे, हम कहे दादा आपको भी पता है ये कोरोना बीमारी कैसे होती है? तो दो मिनट सर खुजाए, कहीं लाला हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। हाँ दिक्कत, सुंदरानी दादा को खांसी आ रही थी पिछले महीने, तो हमके दादा जांच कराइए, कहीं जांच नहीं कराएंगे पक्का निकल आएगा। जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टर के पास खड़े हुए, बोले डॉक्टर साहब हमको खांसी आती है, बुखार है, बोले जांच कराओ, बोले नहीं जांच नहीं कराएंगे, असंभव, बिना जांच कराए जानेंगे कि हमको है कि नहीं। डॉक्टर बोला ऐसा कैसे संभव है, ये नागौर के कवि है, बंबई में रहते हैं, ज्यादा दिमाग। दो मिनट तक सोचे, डॉक्टर का मास्क नीचे किए और उसके मुंह में तीन चार बार खांसे, बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। आनंद के साथ रहिए, तालियां बजाइए, मैं काम लगाता हूँ अपना। बहुत अच्छे चार पंक्तियों, सुनिए बढ़िया अमित, यहीं से शुरू करते हैं, निवेदन करता हूँ चार पंक्तियों से, कोरोना के बाद बदला क्या क्या, निवेदन करता हूँ सुनिएगा, कोरोना के बाद आपको बदला क्या क्या दिखाई दिया, एक एक पंक्ति पे ठीक लगे तो फिर आशीर्वाद मिले, सुनिएगा। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। हम लोग लड़कियों को बहुत कहते थे कि मुंह बांधे घूमती हो, अब सब घूमते हैं। टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। ये मैं अपनी व्यक्तिगत दुर्दशा नहीं बता रहा हूँ। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसीलिए दिन भर लाई भुबुआते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। बढ़िया बढ़िया, पंडित जी भी पूजा शुरू। चार पंक्तियां और सुनिए। कोरोना के होने पर एक महानायक को कोरोना हुआ, लेकिन महानायक के कोरोना होने पर एक अजीब सी घटना दिखाई दी, कवि की नजर वहां तक पहुंची, आपकी पहुंची हो तो फिर आखिरी पंक्ति पर बताइएगा, निवेदन करता हूँ सुनेगा। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। अंतिम पंक्ति पकड़िएगा, तालियों की ताल से सुनिएगा। कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का, वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, संभालना, यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। बढ़िया, निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के, आपकी दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूँ। एक छंद और सुन लीजिए, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूँ, उभरता हुआ पति, जैसे दादा उभरते हुए वरिष्ठ हैं। हाँ सुन लीजिए, मैं हालांकि चार साल से मैं यही कह रहा हूँ उभरता हुआ पति, अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा सुनने में। चार पंक्तियां सुनिए। कि कहने लगा कुंवर मित्र एक मुझसे, ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। इस छंद को सुनिए, इस छंद को सुनने के बाद जो सदियों से उपेक्षित बेचारा पति है उसको गर्व महसूस होगा। मजाक मत सर, ये मानिए सर, ये नए लड़के हंसते हैं विवाहित पुरुषों पर, मजाक मत समझिए। शादीशुदा पुरुष का शौर्य और उसकी वीरता महिषासुर से कम नहीं होता है। आप मजाक समझ रहे हैं सर? महिषासुर पूरी दुनिया में किसी से नहीं डरता था, वो पूरी दुनिया में सबसे जीत सकता था सिवाय एक देवी को छोड़कर। पुरुष भी पूरी दुनिया से किसी से नहीं डरता है सिवाय एक देवी को छोड़कर। बहुत अच्छे,
तो चार पंक्तियां सुनिए। इस छंद को सुनने के बाद अपने आप पे गर्व महसूस करिएगा जो पति बैठे हूँ। छंद समर्पित करता हूँ, सुनेगा। इसे आप छल छंद भी समझ सकते हैं। सुनिए कि कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे ये शादी शुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। घर में वो रहते हैं चुपचाप से बेचारे, पत्नी जो चाहे उनके बोल वैसे होते हैं। मैंने कहा मित्र तुम हो कुंवारे इसलिए जानते नहीं हो पति वीर कैसे होते हैं। शेरनी के सामने जो रहते हैं दिन रात, शेर से तो कम नहीं मर्द ऐसे होते हैं। बढ़िया, आइए। बहुत अच्छे। हमें समय की अपनी सीमाएं हैं, बिल्कुल, इसलिए एक कविता समर्पित करके अपना स्थान रखता हूँ। बेटी वाली कविता की बहुत सी लोगों ने मैसेज फरमाइश किया, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं पिछले बार भी इस कार्यक्रम में आया था। अच्छा, इस बार दोबारा इसलिए भी आया हूँ, शायद पिछली बार जो सुनाया था वो आपको समझ में ना आई हो इसलिए आप लोगों ने दोबारा बुलाया। लेकिन चिंता मत करिए, इस बार भी मैं नया सुनाऊंगा, इस बार फिर आप अगली बार बुलाएंगे। आइए, बेटी वाली रचना बहुत हो चुकी है और तमाम लोग बैठे हैं। दादा ने जिक्र कर दिया है इसलिए एक गीत 2 से 3 मिनट का पढ़ना चाहता हूं। यहां से जैसा दादा ने बताया कि 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक शहीद का घर है, 22 जवानों का शव आया है हमारे आंगन पर। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हंसाया बहुत है, आपसे ताली मैंने बहुत बजवा ली है, मेरे साथ 2 से 3 मिनट जुड़ जाइएगा। बस मैं निवेदन करता हूँ, शहीद दीपक सिंह गहरवार के शहीद जब पार्थिव आया तो उसके बाद मेरे गीत निकला। हालांकि ये मेरा काम नहीं है, आदरणीय मनोज भैया लिखते हैं, ओज और तमाम लोग लिखते हैं। लेकिन जब किसी बड़े कवि ने कहा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है वो कुछ और ही होगा, कलमकार नहीं है, क्या बात है। मैं निवेदन करता हूँ एक गीत और उस गीत की भूमिका में एक छंद, अगर छंद आप सुनेंगे तो मैं गीत समर्पित कर दूंगा। 2-3 मिनट के बाद मैं अपना जगह स्थान ले लूंगा। निवेदन करता हूँ, टीम लंबी है, छंद समर्पित करता हूँ। हमारे घर से माँ का फोन आ जाए तो हम दौड़ते हुए चले जाते हैं। दोस्तों सोचिए, मेरा एक मित्र है बॉर्डर पर थड़ा, मैंने उनसे पूछा कि सौरभ कभी ऐसा लगता है कि कैसा महसूस होता है। बोले माँ का फोन आया कि जन्मदिन है 10 दिन बाद और बेटे को जाना था, लेकिन उसके पैर बेटा दूसरे रूप में पहुंचता है। हमारे पास एक माँ का वचन होता है, वो बेटा जिसके पास 2 माँ का वचन होता है। छंद समर्पित करता हूँ, अगर ठीक पकड़ लेंगे आप तो मैं गीत पढ़ने की हिम्मत कर दूंगा 2 से 3 मिनट। निवेदन करता हूँ, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि एक माँ है घर में जो दे रही दुआएं मुझे। उस बेटे का हौसला सोचिएगा और उस बेटे का वादा निभाने का तरीका देखिएगा जो जिसके पास 2 माँ है। एक माँ है घर में जो दे रही दुआएं मुझे, दूजी माँ की आरती मैं आज यहीं गाऊंगा। एक माँ पे संकट है, दूजी माँ बुला रही है, दोनों माँ की देखभाल कैसे कर पाऊंगा। दोनों माँ के कोख की है इज्जत बचानी आज, संभालिएगा अगली पंक्ति। दोनों माँ के दूध की है इज्जत बचानी आज, दोनों माँ से किया वादा आज मैं निभाऊंगा। चोटी पे तिरंगा गाड़े एक माँ की लाज बची, दूजी माँ के पास मैं तिरंगा ओढ़ जाऊंगा। चोटी पे तिरंगा गाड़े एक माँ की लाज बची, दूजी माँ के पास मैं तिरंगा। आइए एक गीत 2 से 2.5 मिनट, 22 जवानों को ध्यान करिएगा, शहीद दीपक को याद करिएगा और 2 से 2.5 मिनट मेरे पास जुमले चुटकुले पूरी रात के लिए आपको हंसाने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मनगवा और ये त्यूनी और ये मनगवा अंचल का कविता सुननी जानती है, ये ताशीर कविता की है, इसलिए मैं समर्पित करता हूं। मन देखता हूं कि आप सब कैसे सुनते हैं। निवेदन करता हूं 2 से 3 मिनट खामोशी से मेरे मन से जुड़िएगा, सुनिएगा। कि शेरों की हम धरा में हुए थे जो पैदा, वो वीर व्हाइट टाइगर की धरती से गया था शहीद दीपक और जब लौट करके आया तो शेर की तरह ही तिरंगे में लिपट कर आया। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं कि शेरों की हम धरा में हुए थे जो पैदा, इसलिए शेर जैसे ही हो गए विदा। अपने घर का बुझा कर के दीपक चले, ज्योति माँ भारती की जले ये सदा। अपने घर का बुझा कर के दीपक चले, ज्योति माँ भारती की जले ये सदा। तुमने प्राणों की आहूति दे दी ताकि खिलता रहे ये चमन, है नमन है नमन है नमन। मेरे साथ गाइएगा, है नमन है नमन है नमन, है नमन है नमन है नमन।
गर्व से कह रही ये धरा, चीख कर कह रहा ये गगन, है नमन है नमन है नमन है नमन है। पहला बंद समर्पित करता हूँ। स्वागत। यार मेरे सभी मिलने आए मुझे। बेटे की एक आदत होती है बचपन में पिता के कांधे पर बैठने की, क्या बात। लेकिन दुर्भाग्य उस पिता का कि जब वही पिता अपने अंतिम समय पर बेटे को कांधे पर लौट कर लेकर आता है शमशान तक। दुर्गादान जी राजस्थान के लिखते हैं कि जितनी भारी लगती है, जितनी भारी लगती है शेषनाग को ये धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ, मन देखता हूँ कि कविता मनगवा सुनता है। यार मेरे सभी मिलने आए मुझे, रोक सब हैं गले से लगाए मुझे, पापा के कांधे में था मैं चढ़ता कभी, फिर से वो आज कांधे मिलाए मुझे, फिर से वो आज कांधे मिलाए मुझे, नाज करना सदा सोच करिए, मिल रहा है तिरंगा कफन, है नमन है नमन है नमन है नमन है नमन है नमन। दूसरा बंद उस वीरांगना के नाम पढ़ता हूँ। शहीद जब बलिदान देता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार बलिदान देता है। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा मेरे साथ जुड़िएगा। कि हे प्रिय साथ तुमको जो लाए थे हम,